इस्लामाबाद कोर्ट का आदेश 1947 से अब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिले तोहफों की जानकारी दी पाकिस्तान सरकार। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के 100 दिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं महिलाएं, 5 साल में तीसरी बार प्रदर्शन। पाकिस्तान में आतंकी हमले की आशंका, अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा होटल मैरियट खाली करें, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया ने भी जारी किया एडवाइस। अच्छा बन रोहिंग्याओं को लेकर इंडोनेशिया पहुंची बोट से इंजन खराब होने के बाद महीने भर से समुद्र में फंसी थी, हवा ने तट पर पहुंचाया। ईरान ने फुटबॉलर के परिवार को देश छोड़ने से रोका, ईरान ने दुबई जाने वाली फ्लाइट को किया डायवर्ट, प्रदर्शनकारियों को दिया था समर्थन। यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल इलेक्शन कराने के लिए निर्देश, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 70 पेजों का फैसला सुनाया। असम के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में तेंदुए का आतंक, तारों की बाउंड्री बांध कर आया और वैन पर मारा झपट्टा, अब तक 13 लोग घायल। हरियाणा विधानसभा सत्र का दूसरा दिन टूटी सड़कों पर खेत, जिसके सीएम सरपंचों के वित्तीय अधिकार 20 से 2 लाख करने का मुद्दा गूंजा। वाली चंबल में घने कोहरे का अलर्ट, दतिया में विजिबिलिटी 200 मीटर रही, एमपी में नौगांव सबसे ठंडा। इस दौर में 8 जनवरी से शुरू होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल, 90 अगस्त में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद और युगायना के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। न्यू ईयर तक हनुमंतिया में सभी कॉटेज बुक, कोरोना के नेजल वैक्सीन 325 रुपये में लगेगी, प्राइवेट अस्पताल में 800 रुपये देने होंगे, जनवरी में आखिरी हफ्ते तक मिलेगी। इंदौर से जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जयपुर और जबलपुर रूट पर दौड़ सकती है ट्रेन, देश की सबसे तेज दौड़ने वाली होगी यह ट्रेन। कोरोना से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हुई मॉकड्रिल, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग हमीदी अस्पताल पहुंचे, अस्पताल की व्यवस्थाओं को लिया जायजा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान, ईडी लोगों को पीट रही है, एक उद्योगपति को इतना पीटा, इतना मारा कि वह अस्पताल में एडमिट, बीजेपी सीधे नहीं लड़ पाई तो ईडी लाई। सुरानपुर जिले के असीरगढ़ ग्राम में मनाया गया माता जी की सोनल माँ का जन्मोत्सव, चारण समाज द्वारा कार्यक्रम का भव्य आयोजन। मुंबई में सलमान खान के 57वें जन्मदिन पर टाटा गया केक, अर्पिता खान शर्मा के आवास पर एक पार्टी का आयोजन, बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल। भिंड में कांग्रेसियों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, भाजपा की संबुद्धि के लिए किया हनुमान चालीसा का पाठ। पौड़ी की तो बच्चा खाल विधानसभा के वीरों खाल में क्षेत्र में बुलेरो वाहन पेड़ से जिला पलटा, वाहन में सवार 5 लोग वाहन बैक करते समय हुआ हादसा। गाजियाबाद कॉलोनी में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का इस्तेमाल, इस पर जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया, केक काटकर सभी कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। बेमतरा में सीएम भूपेश बघेल के भेंट से मुलाकात, कार्यक्रम के ठीक पहले मिली अधेड़ की लाश, अधेड़ की पहचान अमली भी निवासी के रूप में। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का शहर देखने को मिला, डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार के पास की घटना। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से निकला आदम, मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर से लोग परेशान, बहते नालों में जमा पानी। मसूरी वेंटर लाइन कार्निवाल में फूड फेस्टिवल का आयोजन, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तत्वावधान में हुआ आयोजन, 29 दिसंबर तक चलेगा फूड फेस्टिवल। सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिसंबर को जाएंगे कोलकाता, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में होंगे शामिल, नदियों व भूजल को प्रदूषित होने से रोकने के मद्देनजर देंगे सुझाव।